स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। झारखंड के कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में डीओ धारकों से रंगदारी वसूली का मामला सांसद विधायक ने उठाया। कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच में रंगदारी की बात सामने आई तो रंगदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। ईसीएल मुगमा एरिया जीएमबीसी सिंह ने उक्त बातें कही। ईसीएल मुगमा गेस्ट हाउस में भाजपा सांसद पीएन सिंह एवं विधायक के साथ मंगलवार को हुई बैठक में जीएम सिंह ने ये बात कही। बैठक में विधायक सेन गुप्ता सहित कार्यकर्ताओं ने जीएम पर खास पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उक्त पार्टी द्वारा कापासारा आउटसोर्सिंग में रंगदारी वसूली की भी शिकायत की। मुगमा क्षेत्र के विभिन्न कोलियरियों में मजदूरों की समस्या पर भी चर्चा हुई। सांसद सिंह ने जीएम से 15 दिनों के भीतर विधायक सेन गुप्ता के साथ बैठक कर मांगों पर सकारात्मक पहल की बात कही। बैठक के दौरान डीओ धारकों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद विधायक के समक्ष कापासारा आउटसोर्सिंग में रंगदारी का मामला उठाया। कहा कि लोडरों की आड़ में उनसे 180 के बजाय 350 रुपए वसूले जाते हैं। रंगदारों द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। जीएमबीसी सिंह ने कमेटी बनाकर जांच कर आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। ईसीएल मुगमा गेस्ट हाउस में मंगलवार को जीएमबीसी सिंह के साथ बैठक में सांसद पीएन सिंह एवं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता आदि उपस्थित रहे। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गुप्त की रिपोर्ट। कई समस्याओं पर जो खासकर पेरिफेरियल डेवलपमेंट सीएसआर ग्रामीणों को यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ईसीएल के द्वारा सुविधा मिले उसके लिए बैठक रखे थे और इसी बीच कई प्रकार के जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अभी यहाँ खुदिया नदी में दुर्घटना हुई उनके आश्रित को नौकरी दिया गया है तो उनकी समस्याएं भी आई है। यह सारी बातों का जीएम साहब के साथ वार्ता हुई जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए 15 तारीख के पूर्व एक वार्ता माननीय विधायक जीएम साहब और आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ होगी जहां पर फिर अभी ट्रेडर एसोसिएशन ने रंगदारी की बात उठाई है कि 170 रुपये रंगदारी वसूला जा रहा है और उसकी जांच इन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच करवाएंगे हम और हमसे जो संभव होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और आउटसोर्सिंग कंपनी अगर ये वहाँ रंगदार वसूल रहे हैं तो इनका है कि अगर रंगदार है तो पुलिस प्रशासन तक जांच में सही पाया गया तो पुलिस प्रशासन तक कंप्लेन करेंगे ताकि उस पर कार्रवाई जिला प्रशासन करे। कई विकास के कार्यों की जो पूर्व में हमने लिख कर दिया था उस पर आज तैयार नहीं थे इसलिए इन्हें हमने कहा है कि लोकसभा का सत्र संभावित है 28 जनवरी से और उसके पूर्व एक बैठक करेंगे ताकि आप जो एजेंडा भेजा गया है उस पर पूरे तैयार होकर हमसे बातचीत करें और बहुत दिनों के बाद या हम लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद क्या डीएम साहब नए डीएम जब से आए हैं यह पहली वार्ता हो रही है और मुझे उम्मीद है कि नए वर्ष में जब हो रही है तो बहुत से कस्बा भी पूर्व का था वो कस्बा को समाप्त कर और नए परिवेश में नए उम्मीद के साथ यह बैठक संपन्न। सारा डिमांड मजदूर हित में और बेरोजगार जो है उसको रोजगार दिलाने के लिए साथ ही साथ विकास के मामले में पानी बिजली जितने भी अभी आउटसोर्सिंग के हर चल रहा है
बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने के लिए, उसको हम लोग बहुत पहले से हम लोग का डिमांड रहा है, लेकिन एक भी डिमांड हम लोग को नहीं माना गया। आप लोग सुने ही पूरा चर्चा क्या हुआ नहीं, हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब उस पर तो कुछ आज तैयार हो गया नहीं थी बात करने के लिए, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे जो भी डिमांड हम लोग का रहा भारतीय जनता पार्टी और हमारे यूनियन से तो वो डिमांड को माना जाए। और अभी अभी कुछ दिन पहले जो कुटिया कोलियरी में जो घटना घटा था घर में भी दो मजदूर का जो मौत हो गया था, पहले से ही हम लोग आंदोलन के माध्यम से हो गया धरना के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से हमने ये बात को डीएम साहब तक पहुँचाने का काम किया था, चाहे खदान में खदान के नीचे सुरक्षा हो हवा नहीं मिल रहा है कोई सुरक्षा का जो भी बात या फिर मजदूर हित में जो भी डिमांड था हम लोग रखे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनने के कारण ही इतना बड़ा हादसा घट गया खुदिया में। खुदिया में हादसा होने के बाद जो बाकी दो मजदूर किसी तरह से जान बचा के ऊपर आए भगवान ठीक है अच्छा बात है, लेकिन अब बार बार ये लोग मजदूर को दबाव देंगे बयान चेंज कराने इन लोग को फेवर में बयान देते हैं प्रलोभन देंगे कि मतलब आप ऐसे बयान देंगे तो मतलब आपको मतलब ऊपर में आपको ड्यूटी कर देंगे। मजदूर वो लोग बच्चे हैं तो डरा हुआ है उस घटना के बाद, वो भी मतलब साधारण मजदूर है उनका बयान इन लोग का फेवर में इस तरह से बोले इस तरह का फेवर में लोग बयान दिए, इसके बावजूद भी उस मजदूर के साथ चला गया धोखा दिया। वही बात अभी हम सामने लाए किस तरह से मतलब ये कर रहे हैं, तो मेरा मांग है कि वो दोनों मजदूर बेचारा जो डरा हुआ है उनको ऊपर में ला के ये रंगदारी को लग 70 रुपया वाला इसमें क्या हाँ, इसमें तो कपासाड़ा में जो आए दिन ये रंगदारी का बात है, कुछ दिन पहले भी हम लोग सभा के माध्यम से ये बात को सामने लाए थे, आप लोग के माध्यम से बहुत अच्छा दे बहुत अच्छा से ये बात सामने आया था कि जो लोडिंग कर रहा है जो मजदूर वो 370 रुपया यहाँ से दिया जा रहा है, लेकिन मासस क्या लंबी ये लोग मिली भगत में मासस और मैनेजमेंट मिली भगत में उस मजदूर को 170 रुपया बाकी पैसा ये लोग भंडर मांग रहे हैं। ये बात हम लोग ओपन सभा में भी लाए थे, ये रंगदारी जो कर रहा है हम मांग करते हैं कि जो रंगदारी कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो। आज आदरणीय सांसद महोदय और आदरणीय विधायक मैडम यहाँ पर आई और मुगमा क्षेत्र के समस्याओं को इन्होंने बताया और मैं पूरे आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम किसी भी समस्या को समाधान करने में विश्वास रखते हैं और वो लोक प्रतिनिधि हैं उनका दायरा बड़ा है, पर हम भी अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे कि समाधान निकले रास्ता निकले और हमारी कोशिश रहेगी। काफ़ी समस्याएं थीं जो शायद एक एक करके या हो सकता है कुछ समय भी लगे, बट हमारा विज़न ब्रॉड है और हम सोसाइटी की एज ए कॉरपोरेट ECL का मुगमा आर्या का हमारा दायित्व ही है कि हम सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेवार हैं और हम उनकी समस्याओं को कोशिश करेंगे। सर 330 रुपया रंगदारी की जो ली जा रही है 170 रुपया दिए जा रहे हैं 170 रुपया रंगदारी लिया जा रहा है क्या कर रहे हैं? मेमोरेंडम मेरे पास एक आया है रिप्रेजेंटेशन हम उन पर। थैंक यू सर।